नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। पुरानी पेंशन बहाली पर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, चुनावों से पहले बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली पर एक और खुशखबरी सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटे से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया होगा कि लगातार केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और इसी बीच कर्मचारियों की मांग पर हिमाचल सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक कमेटी का गठन किया है और इसके बाद दोस्तों देश में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अपने पीक पर है और ये निर्णायक दौर में है जिसके चलते किसी भी राज्य से सकारात्मक समाचार आ सकता है। ये बात पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार शास्त्री ने की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में झारखंड और पंजाब में एनएमओपीएस टीम को पुरानी पेंशन के वित्तीय पहलुओं पर मुख्यमंत्री के सचिवों और अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया गया, जो काफ़ी हद तक सकारात्मक रही। गौरतलब है कि समूचे देश के कर्मचारी एनपीएस से बारिश सदमे में हैं और वो लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही हैं और इनका दावा है कि किसी भी वक्त किसी भी राज्य से पुरानी पेंशन बहाली के कोई समाचार मिल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इन राज्यों में चुनावी माहौल भी चल रहा है, चुनाव सर पे हैं, तो सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। आपके विचार हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।